नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान पर दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नींबू से पति का वशीकरण जी हाँ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नींबू से अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं दोस्तों हमने इससे पहले भी चार वीडियोस ऐसी डाली हैं आज के दिन ही जिससे आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं कुछ उसमें से पति को शोतन से दूर करने के टोटके पति को वश में करने के टोटके पति को वश में करने के उपाय और मंत्रा ऐसी वीडियोस दी गई हैं दोस्तों आप उनको भी अवश्य देखेगा तो अब की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नींबू से पति का वशगन दोस्तों अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपके वश में हो जाए क्योंकि वो आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे रूखा व्यवहार करते हैं आपकी कोई बात नहीं मानती आपको इग्नोर करते हैं आपकी ना ही रिस्पेक्ट करते हैं जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हैं दुखी रहती हैं या फिर वो किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़े हुए हैं और आप छुटकारा दिलवाना चाहती हैं उस प्राय स्त्री से अपने पति को अपने वश में करके अपना ग़ुलाम बनाकर तो आप कर सकती हैं और वैसे तो वशीकरण के हजारों तरीके हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे नींबू से वशीकरण का बहुत ही सरल तरीका हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनेगा इस तरीके के बारे में कि कैसे आप नींबू से अपने पति को अपने काबू में कर सकती हैं आपको क्या करना होगा सबसे पहले नींबू पर अपने पति का नाम आपने नाम का पहला अक्षर लिखना है वो भी हल्दी से उसके बाद आपने अपने पति को वश में करने के लिए क्या करना है कागज़ भी लेना है और उस पर आपने अपने पति का पूरा नाम लिखना है और नींबू को उस पर रख कर रुमाल में आपने लपेट लेना है इतनी तैयारी आपको महा के किसी भी शनिवार की रात को ही करनी है इसके साथ ही आपने मिट्टी की हाड़ी लेनी है जब मिट्टी की हाड़ी में आपने सभी सामग्री को एकत्रित कर लेना है अगले रविवार के दिन आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ धुले हुए कपड़े पहनकर निकट के मंदिर में जाएं सभी देवी देवताओं के आगे शीश झुकाएं और प्रिय व्यक्ति के नाम का स्मरण करते हुए हाथ जोड़ें और अपनी मनोकामना पूरी करने की मांग करें उसके बाद सामान्य आकार का एक पीला नींबू और लें साथ में आपने पीसी हुई हल्दी की एक पूड़िया सफ़ेद कागज और लाल रुमाल और सिंदूर भी रखें उसके बाद सभी सामग्रियों को आपने नदी में प्रवाहित कर देना है और जब आप इसे नदी में प्रवाहित करके वापस घर आ रहे हों आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और जब आप घर आ जाएंगे तब आपने 111 बार एक मंत्र का चाप करना है भगवती हिंसा बलादा कृष्ण मुहाय महामाय प्रयस्कटी इस मंत्र का चाप करने के बाद 111 बार आपका पति आपके वश में हो जाएगा जैसे ही आप इस टोटके को कर लेंगे आपका पति आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा वो आपके लिए इतना दीवाना हो जाएगा कि आप जो कहेंगी वो वैसा ही करेंगे तो दोस्तों हम आप इस टोटके को अवश्य अपनाएं बहुत सी महिलाओं को हमने इस तरीके के बारे में नींबू से वशीकरण के तरीके के बारे में बताया उन्होंने इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया इसलिए आज हमने इस वीडियो में आप सभी को भी इस तरीके से अवगत कराया है तो आप इनका इस्तेमाल अवश्य करें तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइए हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की और इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़िए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर अपनी समस्या का तुरंत समाधान पा सकते हैं दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो के साथ